इस अंबर को बना लूं कागज, स्याही कर दूं सागर को, वीर शहीदों की ये गाथा बची रहेंगी लिखने को। भाव सुमन अर्पित करते हैं और भला क्या देंगे हम, द्रवित हृदय से आए हैं हम शौर्य कहानी कहने को। आज की पीढ़ी 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में केवल सुना या पढ़ा होगा, लेकिन हम में से बहुतों ने 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच लड़े गए कारगिल युद्ध को देखा भी होगा। हमारे और आपके घरों से ही न जाने कितने वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया होगा। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं विवेक मिश्र और आप देख रहे हैं वीरों की वीर गाथा विथ विवेक मिश्रा। अगर इसके पहले के राजनीतिक हालातों पर नजर डाली जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि पाकिस्तान कायर था, कायर है और आने वाले समय में भी शायद कायर ही रहेगा। देखा जाए तो पाकिस्तान एक डरपोक मुल्क है जो कभी भी स्वाभिमान के साथ, स्वाभिमान के लिए लड़ा ही नहीं था। यह बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कैसे कह रहा हूँ, इसके पीछे एक वाजिब तर्क और वाजिब कारण है। बात उस समय की है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण की अनुमति दे दी। तमाम बाधाओं को दरकिनार करते हुए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया। यह परमाणु परीक्षण न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए एक खुशी और जश्न की बात थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए यह एक गर्व का विषय था। लेकिन यही बात हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को नागवार गुजरी। समय बीता लेकिन पाकिस्तान अपनी कायरता को नहीं छोड़ा। विदेशी ताकतों की मदद से ही सही, लेकिन उसने भी जवाबी परमाणु परीक्षण किया। समय पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ हुआ करते थे। इन्हीं सब खींचातानी में दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते चले गए, लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखने के पक्षधर थे। वे नहीं चाहते थे कि दोनों देशों के रिश्ते और खराब हों। श्री वाजपेयी ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने का निर्णय लिया और इसी क्रम में श्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से यात्रा करके पाकिस्तान पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने उनका भव्य स्वागत भी किया। कुछ समय के लिए लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है और भारत पाकिस्तान के बीच कोई तनाव है ही नहीं। हालांकि नवाज शरीफ भी उस समय यही चाहते थे कि भारत पाकिस्तान रिश्तों को कैसे भी करके सुधारा जाए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में प्रधानमंत्री की औकात ही क्या है, आईएसआई और सेना के सामने एक कठपुतली मात्र। पाकिस्तान पहुंचने के बाद दोनों नेताओं ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और संबंध बेहतर बनाने का निर्णय लिया, लेकिन तत्कालीन पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ को यह समझौता रास नहीं आया कि भारत के साथ संबंध सुधारा जाए। इसीलिए उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया और ये खेल इतने गुप्त तरीके से जनरल मुशर्रफ के द्वारा खेला जा रहा था कि उस समय पाकिस्तान की वायुसेना प्रमुख और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री तक को पता नहीं था। लेकिन एक बात मुशर्रफ को अच्छे से पता था कि वह भारत से सीधे सीधे युद्ध करके कभी नहीं जीत सकते। इसीलिए मुशर्रफ ने भारत के खिलाफ एक साजिश रची और इसको नाम दिया ऑपरेशन बदर। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी सैनिकों को आतंकवादी के वेश में भारत में घुसपैठ करना था और घुसपैठ करके कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना था।
भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने पाकिस्तान को कायर क्यों कहा। यहाँ पाकिस्तान को कायर कहने का मतलब पाकिस्तानी सेना को कायर कहना है। बात 2 मई 1999 की है, जब तासी नाम के एक चरवाहे ने कारगिल की पहाड़ियों में कुछ पाकिस्तानियों को घुसपैठ करते हुए देखा और 3 मई 1999 को उसकी खबर सेना के एक जवान को दिया। सैनिक ने यह जानकारी अपने अधिकारियों को दिया और फिर दिल्ली सेना मुख्यालय तक यह खबर पहुंच गई। सेना ने घुसपैठियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर दिया। उस समय जम्मू कश्मीर घाटी में जितने भी सैनिक थे उन्हें कारगिल की तरफ भेज दिया गया। भारतीय सेना के त्वरित एक्शन को देख आतंकवादियों के वेश में छुपे पाकिस्तानी सैनिक सकते में आ गए। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि भारतीय सेना इतनी चौकन्ना होगी। आतंकियों ने इसकी जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को दी, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठियों को मदद देने के लिए भारतीय सेना की चौकियों पर फायरिंग शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना के तोप का निशाना भारतीय सैन्य ठिकाने और आयुध भंडार थे। बात 9 मई 1999 की है, जब पाकिस्तान की गोलीबारी से कारगिल का भारतीय सेना का आयुध भंडार नष्ट हो गया। भारत के लिए उस विषम परिस्थिति में एक बड़ा झटका था। वहीं अगले ही दिन कुछ पाकिस्तानी घुसपैठियों को पहली बार भारतीय सेना के अंदर कश्मीर के द्रास और काकसर सेक्टर में देखे जाने की खबर मिलती है। भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि के लिए अपनी कई टुकड़ियों को रवाना कर दिया। इसी दौरान 14 मई 1999 को भारतीय सेना के कैप्टन सौरभ कालिया को घुसपैठियों के ठिकाने की सूचना मिलती है। वह तुरंत अपनी टीम के साथ उस लोकेशन की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम वहां पहुंचती है जहां पर घुसपैठिए छिपे रहते हैं। कैप्टन कालिया और इनके साथियों की संख्या महज 5 थी और घुसपैठियों की संख्या 100 से ज़्यादा। कैप्टन सौरभ लड़ने का निर्णय लेते हैं और अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए घुसपैठियों पर टूट पड़ते हैं। कैप्टन सौरभ कालिया के एक एक साथी लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन तब भी कैप्टन कालिया अकेले लड़ते रहे। अंत में कैप्टन सौरभ को भी गोली लग जाती है और 5 घुसपैठियों द्वारा इनको बंधक बना लिया गया। बंधक बनाने के बाद घुसपैठियों ने कैप्टन कालिया की निर्मम हत्या कर दी। अब कारगिल की पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तानियों को यह आशंका हो जाती है कि भारतीय सेना को उनके बारे में पता चल गया है, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से गोलीबारी बढ़ाने को बोलते हैं। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी बढ़ता देख भारतीय सेना ने अपनी तोपों से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दिया। उधर कैप्टन कालिया से काफ़ी समय से कोई संपर्क नहीं होने पर भारतीय सेना अपनी टोही विमान कारगिल की पहाड़ियों की तरफ रवाना कर देती है। पाकिस्तानी घुसपैठियों की पहाड़ियों में पोजीशन कुछ इस तरह था कि वे कश्मीर से लेह को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भारतीय सेना के हर एक मूवमेंट को सीधा देख सकते थे। यहां तक कि वे इस हाईवे से गुजरने वाले किसी भी वाहन को अपना निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना को पाकिस्तानियों की चाल समझ में आ गई थी। सेना को पता था अगले महीने से बारिश और फिर बर्फबारी शुरू हो जाएगी और यह रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। अगर इन पाकिस्तानी घुसपैठियों को नहीं भगाया गया तो इतने दिनों में तो वे अपनी पोजीशन और मजबूत कर लेंगे, जिससे पाकिस्तानी कश्मीर से लेह को अलग करने में कामयाब हो जाएंगे। भारतीय सेना का इस अघोषित युद्ध में जवाबी कार्रवाई चल रहा था, लेकिन पाकिस्तानियों की पोजीशन इतनी सटीक थी कि हमारे 10 जवान पर उनका एक आतंकवादी भारी पड़ रहा था।
इधर तत्कालीन भारतीय थल सेना अध्यक्ष वीपी मलिक हालात का जायजा लेने जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। वापस लौटने के बाद उन्होंने तत्कालीन वायुसेना प्रमुख से मुलाकात कर एयर स्ट्राइक करने का प्लान बनाया। 25 मई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की पत्रकार वार्ता के दौरान कारगिल में हुए घुसपैठ की जानकारी दी। वहीं 26 मई को वायुसेना प्रमुख ने एयर स्ट्राइक की मंजूरी दी और फाइटर पायलटों से कहा कि वह किसी भी सूरत में नियंत्रण रेखा को पार नहीं करेंगे। इसके बाद श्रीनगर और पठानकोट एयरबेस से MiG-21, MiG-27 और MI-17 हेलीकॉप्टर एयर स्ट्राइक के लिए रवाना हो गए। 27 मई को फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता अपने MiG-27 विमान से द्रास की चोटियों पर रवाना हुए, लेकिन ऊंची पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तानी दुश्मनों ने स्ट्रिंग मिसाइल से उन पर हमला कर दिया। मजबूरन फ्लाइट लेफ्टिनेंट को पैराशूट के जरिए इंजेक्ट होना पड़ा, लेकिन बदकिस्मती से वे नियंत्रण रेखा पार कर गए और उन्हें भी बंदी बना लिया गया। लेफ्टिनेंट नचिकेता के लापता होने की खबर से भारतीय सेना की चिंता और बढ़ गई। इसके बाद स्क्वाड्रन लीडर ए आहूजा खोजी विमान MiG-21 लेकर रवाना होते हैं। पाकिस्तानी दुश्मनों ने उनको भी अपना निशाना बना लिया। आहूजा पैराशूट के जरिए नीचे उतर ही रहे थे कि दुश्मनों ने उन पर सैकड़ों गोलियां बरसा दिया। आहूजा ने देश के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीद हो गए। 27 मई को ही वायुसेना का एक और MI-17 विमान पाकिस्तानी दुश्मनों का निशाना बना। इसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए। 27 मई को ही भारतीय वायुसेना ने टाइगर हिल्स और पॉइंट 4590 पर जबरदस्त हमला किया। वहीं नीचे से भारतीय सेना की तोपों ने भी टाइगर हिल पर गोले बरसाना शुरू कर दिया था। भारतीय सेना की इस जबरदस्त कार्यवाही से पहाड़ियों में दुबके पाकिस्तानियों के हौसले पस्त होने शुरू हो गए थे। वहीं 5 जून को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी रेंजर्स से कुछ कागजात बरामद किए, जिससे यह यकीन हो गया कि पहाड़ियों में छिपे पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सैनिक हैं, पाकिस्तान की कायरता का एक और सबूत। अब भारतीय सेना का समय था। वह इन पाकिस्तानियों पर कहर बन के टूट गई और 4 दिन के संघर्ष के बाद 9 जून को भारतीय सेना ने वारलिंग सेक्टर के 2 अग्रिम चौकियों पर अपना कब्जा करके तिरंगा फहरा दिया। बस यहीं से शुरू हो गया ऑपरेशन विजय के विजय का सिलसिला। 13 जून को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर के तोलोलिंग चोटी पर भी अपना कब्जा कर लिया। कारगिल के युद्ध में तोलोलोंग की जीत को ऑपरेशन विजय की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक माना जाता है। अब तो भारतीय सेना पाकिस्तानियों पर आफत बनकर टूट पड़ी थी। पाकिस्तानियों ने सोचा भी नहीं था कि इतने ऊंचे और सुरक्षित जगह पर छिपे रहने पर भी भारतीय सेना घुस के मारेगी। 29 जून को भारतीय जाबाजों ने टाइगर हिल्स के पॉइंट 5060 और 5100 पर भी अपना कब्जा कर लिया और तिरंगा फहरा दिया। 2 जुलाई को भारतीय सैनिकों ने कारगिल को 3 तरफ से घेर कर हमला शुरू कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि भारतीय सेना के अदम्य साहस को देखकर पाकिस्तानी रेंजर्स के हाथ पांव फूल गए। भारतीय जाबाजों के एक गोलियों ने पाकिस्तानियों के सीने में खौफ भर दिया था। 11 जुलाई को भारतीय सैनिकों द्वारा पाकिस्तानी रेंजर्स को अपनी पोजीशन छोड़कर भागते देखा गया। 4 जुलाई को टाइगर हिल पर भारतीय सेना के जाबाजी के प्रतीक के तौर पर तिरंगा फहरने लगी और 5 जुलाई को भारतीय सेना ने द्रास और 7 जुलाई को बाटलिक की जूबर हिल पर तिरंगा फहराकर दुश्मनों के ताबूत में आखिरी कील गाड़ दिया। 14 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय में जीत का ऐलान किया।
और 26 जुलाई यानी आज के दिन को कारगिल विजय दिवस मनाने का ऐलान किया। इस तरह से कारगिल युद्ध विश्व के इतिहास में ऐसा युद्ध था जिसमें हारी हुई बाजी को भी हमारे हिंदुस्तानी जाबाजों ने पलट दिया और पाकिस्तान जो पहले से ही अपनी विजय गाथा गाने में जुटा था उसके लिए यह सबक और सदमा दोनों था। शायद इस सदमे से पाकिस्तान आज तक उबर नहीं पाया होगा। भारतीय सेना के ऐसे जाबाजों को उनके पराक्रम, अदम्य साहस और बलिदान के लिए लर्निंग मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला की ओर से सत सत नमन। उन सभी शहीदों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, ये था हमारा आज का पहला एपिसोड वीरों की वीर गाथा विथ विवेक मिश्रा में। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइए। इसमें अगर आप कोई सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमारे वीर शहीदों के लिए ही सही लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और आने वाले वीडियो में आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं ये हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अगली वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।